दोस्तों नमस्कार। गांधी जी की आत्मकथा के एपिसोड का अगला भाग जो है प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें गांधी जी अब दक्षिण अफ्रीका जाने की तैयारी कर रहे हैं। वे लिखते हैं कि इस बीच मुझे कठियावाड़ के रियासती षड्यंत्रों का भी कुछ अनुभव हुआ। कठियावाड़ अनेक छोटे छोटे राज्यों का प्रदेश है। यहाँ मुत्सद्दियों का बड़ा समाज होना स्वाभाविक ही था। राज्यों के बीच सूझ षड्यंत्र चलते, पदों की प्राप्ति के लिए साजिशें होती। राजा कच्चे कान का और परवश रहता। साहबों के अर्दलियों तक की खुशामद की जाती। रिश्तेदार तो साहब से भी सवाया होता, क्योंकि वही तो साहब की आँख कान और दुभाषिये का काम करता था। रिश्तेदार की इच्छा ही कानून थी। रिश्तेदार की आमदनी साहब की आमदनी से ज़्यादा मानी जाती थी। संभव है इसमें अतिशयोक्ति हो, पर सर रिश्तेदार के अल्प वेतन की तुलना में उसका खर्च अवश्य ही अधिक होता था। यह वातावरण मुझे बिस्सा प्रतीत हुआ। मैं अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कैसे कर सकूंगा, इसकी चिंता बराबर बनी रहती। मैं उदासीन हो गया। भाई ने मेरी उदासीनता देखी। एक विचार यह आया कि कहीं नौकरी कर लूँ तो मैं इन खटपटों से मुक्त रह सकता हूँ। पर बिना खटपट के जीवन का या न्यायाधीश का पद कैसे मिल सकता था। वकालत करने में साहब के साथ का झगड़ा बाधक बनता था। पोरबंदर में एडमिनिस्ट्रेशन नाबालगी शासन था। वहाँ राणा साहब के लिए कुछ सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न करना था। मेरे लोगों से लगान उचित से अधिक वसूल किया जाता था। इसके सिलसिले में भी मुझे वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर से मिलना था। मैंने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटर यद्यपि हिंदुस्तानी हैं, तथापि उनका रोबदाब तो साहब से भी वह होशियार थे, पर उनकी होशियारी का लाभ जनता को अधिक मिला हो यह मैं देख न सका। राणा साहब को थोड़ी सत्ता मिली, कहना होगा कि मेरे लोगों को तो कुछ भी ना मिला। उनके मामले की पूरी जाँच हुई हो ऐसा भी मैंने अनुभव नहीं किया। इसलिए यहाँ भी मैं थोड़ा निराश ही हुआ। मैंने अनुभव किया कि न्याय नहीं मिला। न्याय पाने के लिए मेरे पास कोई साधन ना था। बहुत करें तो बड़े साहब के सामने अपील की जा सकती है, वह राय देंगे। हम इस मामले में दखल नहीं दे सकते। ऐसे फैसलों के पीछे कोई कानून कायदा हो तब तो कुछ आशा भी की जा सके, पर यहाँ तो साहब की मर्जी ही कानून है। मैं अकुल आया। इसी बीच भाई के पास पोरबंदर की एक मेमन फर्म का संदेश आया। दक्षिण अफ्रीका में हमारा व्यापार है, हमारी फर्म बड़ी है। वहाँ हमारा एक बड़ा मुकदमा चल रहा है। 40,000 पाउंड का दावा है। मामला लंबे समय से चल रहा है। हमारे पास अच्छे से अच्छे वकील बैरिस्टर हैं। अगर आप अपने भाई को भेजें तो वह हमारी मदद करें और उन्हें भी कुछ मदद मिल जाए। वह हमारा मामला हमारे वकील को अच्छी तरह समझा सकेंगे। इसके सिवा वह नया देश देखेंगे और कई नए लोगों से उनकी जान पहचान होगी। भाई ने मुझसे चर्चा की। मैं इस सब का अर्थ समझ ना सका। मैं यह जान ना सका कि मुझे सिर्फ वकील को समझाने का ही काम करना होगा या अदालत में भी जाना होगा। फिर भी मैं ललचाया। दादा अब्दुल्ला के साझी महरूम सेठ अब्दुल करीम झवेरी से भाई ने मेरी मुलाकात कराई। सेठ ने कहा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। बड़े बड़े साहबों से हमारी दोस्ती है, उनसे आपकी जान पहचान होगी। आप हमारी दुकान में भी मदद कर सकेंगे। हमारे यहाँ अंग्रेजी पत्र व्यवहार बहुत होता है, आप उसमें भी मदद कर सकेंगे। आप हमारे बंगले में ही रहेंगे, इससे आप पर खर्च का बिल्कुल बोझ नहीं पड़ेगा। मैंने पूछा, आप मेरी सेवाएँ कितने समय के लिए चाहते हैं? आप मुझे वेतन क्या देंगे? हमें 1 साल से अधिक आपकी ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको पहले दर्जे का मार्ग भी देंगे और निवास तथा भोजन खर्च के अलावा 105 पाउंड देंगे। इसे वकालत नहीं कह सकते, यह नौकरी थी, पर मुझे तो जैसे भी बने हिंदुस्तान छोड़ना था। नया देश देखने को मिलेगा और अनुभव प्राप्त होगा 100 लाख। भाई को 105 पाउंड भेजूंगा तो घर का खर्च चलाने में कुछ मदद होगी। यह सोचकर मैंने वेतन के बारे में बिना कुछ झिक किए ही सेठ अब्दुल करीम का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और मैं दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए तैयार हो गया। नेटाल आगमन।
विलायत जाते समय वियोग के विचार से जो दुख हुआ था वह दक्षिण अफ्रीका जाते समय ना हुआ। माता तो चल ही बसी थी। मैंने दुनिया का और यात्रा का अनुभव प्राप्त किया था। राजकोट और बम्बई के बीच तो आना जाना बना ही रहता था, इसलिए इस बार वियोग केवल पत्नी का ही दुखदायी था। विलायत से आने के बाद एक और बालक की प्राप्ति हुई थी। हमारे बीच के प्रेम में अभी विषय भोग का प्रभाव तो था ही, फिर भी उसमें निर्मलता आने लगी थी। मेरे विलायत से लौटने के बाद हम दोनों बहुत कम साथ रह पाए थे और शिक्षक की तरह मेरी योग्यता जो भी रही हो, परंतु मैं पत्नी का शिक्षक बना था इसलिए, और पत्नी में जो कई सुधार मैंने कराए थे उन्हें निभाने के लिए भी हम दोनों साथ रहने की आवश्यकता अनुभव करते थे। पर अफ्रीका मुझे अपनी तरफ खींच रहा था, उसने वियोग को सहारा बना दिया। एक साल के बाद तो हम फिर मिलेंगे ही ना, पत्नी को यह कहकर सांत्वना देकर मैंने राजकोट छोड़ा और मैं बम्बई पहुंचा। मुझे दादा अब्दुल्ला के बम्बई वाले एजेंट के जरिए टिकट खरीदना था, पर स्टीमर पर कोई केबिन खाली ना थी। हालत यह थी कि अगर इस मौके को चूक जाता तो मुझे एक महीने तक बम्बई की हवा खानी पड़ती। एजेंट ने कहा, हमने कोशिश तो बहुत की पर हमें टिकट नहीं मिल सका। आप डेक में जाएं तो जा सकते हैं, भोजन की व्यवस्था सलून में हो सकेगी। वह जमाना मेरे लिए पहले दर्जे की यात्रा का था, क्या बैरिस्टर डेक का यात्री बनकर जाए? मैंने डेक में जाने से इनकार कर दिया। मुझे एजेंट पर शक हुआ, मैं यह मान न सका कि पहले दर्जे का टिकट मिल ही नहीं सकता। एजेंट की अनुमति लेकर मैंने ही टिकट प्राप्त करने का प्रयत्न किया। मैं स्टीपर मर पहुँचा, बड़े अधिकारी से मिला। पूछताछ करने पर उसने सरल भाव से उत्तर दिया, हमारे यहाँ इतनी भीड़ शायद ही कभी होती है, पर इस स्टीमर से मोजाम्बिक के गवर्नर जनरल जा रहे हैं, इससे सारी जगह भर गई है। तो आप मेरे लिए किसी तरह जगह निकाल ही नहीं सकते? अफसर ने मेरी तरफ देखा, फिर वह हंसा और बोला, एक उपाय है, मेरे केबिन में एक बर्थ खाली रहती है, उसमें हम यात्री नहीं लेते, पर मैं वह जगह देने के लिए तैयार हूँ। मैं खुश हुआ, अफसर का आभार माना, सेठ से बात करके टिकट कटाया और 1893 के अप्रैल महीने में उमंग से भरा मैं दक्षिण अफ्रीका में अपना भाग्य आजमाने के लिए रवाना हो गया। पहला बंदरगाह लामू पड़ता था। वहाँ पहुँचने में करीब 13 दिन लगे। रास्ते में कप्तान से अच्छी मित्रता हो गई। कप्तान को शतरंज खेलने का शौक था, पर वह अभी नौसिखिया ही था। उसने अपने से कमज़ोर खेलने वाले साथी की ज़रूरत थी, इसलिए उसने मुझे खेलने के लिए न्योता। मैंने शतरंज का खेल कभी देखा ना था, उसके विषय में सुना काफ़ी था। खेलने वाले कहते थे कि इस खेल में बुद्धि का खासा उपयोग होता है। कप्तान ने कहा कि वह खुद मुझे सिखाएगा। मैं उसे अच्छा शिष्य मिला क्योंकि मुझमें धैर्य था। मैं हारता ही रहता था, इससे कप्तान का सिखाने का उत्साह बढ़ता जाता था। मुझे शतरंज का खेल पसंद पड़ा, पर मेरा यह शौक कभी जहाज के नीचे न उतरा। उसमें मेरी गति राजा रानी आदि की चाल जान लेने से अधिक न बढ़ सकी। लामू बंदरगाह आया, स्टीमर वहाँ 3-4 घंटे ठहरने वाला था। मैं बंदरगाह देखने नीचे उतरा, कप्तान भी गया था। उसने मुझसे कहा, यहाँ का बंदरगाह दगाबाज है, तुम जल्दी लौट आना। गाँव तो बिल्कुल छोटा सा था, वहाँ के डाकखाने में गया तो हिंदुस्तानी नौकर दिखाई दिए, इससे मुझे खुशी हुई। मैंने उनसे बातचीत की, हफसियों से मिला, उनकी रहन सहन में रुचि पैदा हुई, इसमें थोड़ा समय चला गया। डेक के दूसरे भी कई यात्री थे, मैंने उनसे जान पहचान कर ली थी। वे रसोई बनाने और आराम से भोजन करने के लिए नीचे उतरे थे। मैं उनकी नाव में बैठा। बंदरगाह में ज्वार काफ़ी था, हमारी नाव में बहुत ज़्यादा था। प्रवाह का जोर इतना अधिक था कि नाव की रस्सी स्टीमर की सीढ़ी के साथ किसी तरह बंध ही नहीं पाती थी। नाव सीढ़ी के पास पहुँचती और हट जाती। स्टीमर खुलने की पहली सीटी बजी, मैं घबराया। कप्तान ऊपर से देख रहा था, उसने स्टीमर को 5 मिनट के लिए रुकवाया। स्टीमर के पास ही एक छोटी सी नाव थी। एक मित्र ने उसे 10 रुपये देकर मेरे लिए ठीक किया और इस छोटी नाव ने मुझे उस नाव में से उठा लिया। स्टीमर की सीढ़ी उठ चुकी थी, मुझे रस्सी से ऊपर खींच लिया गया और स्टीमर चल दिया। दूसरे यात्री रह गए। कप्तान की दी हुई चेतावनी का अर्थ अब समझ में आया। लामू से मुम्बासा और वहाँ से जंजीबार पहुँचा। जंजीबार में तो काफ़ी ठहरना था, 8 या 10 दिन वहाँ नए स्टीमर पर सवार होना था। मुझ पर कप्तान के प्रेम का पार न था, इस प्रेम ने मेरे लिए उल्टा रूप धारण किया। उसने मुझे अपने साथ शहर के लिए न्योता, एक अंग्रेज मित्र को भी न्योता था। हम तीनों कप्तान की नाव पर सवार हुए। मैं इस शहर का मर्म बिल्कुल नहीं समझ पाया था। कप्तान को क्या पता
कि मैं ऐसे मामलों में निपट अनजान हूँ। हम लोग हफ्सी औरतों की बस्ती में पहुँचे, एक दलाल हमें वहाँ ले गया। हम में से हर एक 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 कोठरी में घुस गया, पर मैं तो शर्म का मारा वहाँ गुमसुमी बैठा रहा। बेचारी उस स्त्री के मन में क्या विचार उठे होंगे, सो तो वही जाने। कप्तान ने आवाज़ दी, मैं जैसा अंदर घुसा था वैसा ही बाहर निकला। कप्तान मेरे भोलेपन को समझ गया। पहले तो मैं बहुत ही शर्मिंदा हुआ, पर मैं यह काम किसी भी दशा में पसंद नहीं कर सकता था, इसलिए मेरी शर्मिंदगी तुरंत ही दूर हो गई और मैंने इसके लिए ईश्वर का उपकार माना कि उस बहन को देखकर मेरे मन में तनिक भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ। मुझे अपनी इस दुर्बलता पर घृणा हुई कि मैं कोठरी में घुसने से ही इनकार करने का साहस क्यों नहीं कर सका। मेरे जीवन की ऐसी यह तीसरी परीक्षा थी। कितने ही नए युवक शुरू में निर्दोष होते हुए भी झूठी शर्म के कारण बुराई में फंस जाते होंगे। मैं अपने पुरुषार्थ के कारण नहीं बचा था। अगर मैंने कोठरी में घुसने से साफ इनकार किया होता तो वह मेरा पुरुषार्थ माना जाता। मुझे तो अपनी रक्षा के लिए केवल ईश्वर का ही उपकार मानना चाहिए, पर इस घटना के कारण ईश्वर में मेरी श्रद्धा बढ़ी और झूठी शर्म छोड़ने की कुछ हिम्मत भी मुझमें आई। जंजीबार में एक हफ्ता बिताना था, इसलिए एक घर किराए पर लेकर मैं शहर में रहा। शहर को खूब घूम घाम कर देखा। जंजीबार की हरियाली की कल्पना मालाबार को देखकर ही हो सकती है। वहाँ के विशाल वृक्ष और बड़े बड़े फल वगैरह देखकर तो मैं दंग ही रह गया। जंजीबार में मैं मंजाबिक और वहाँ से लगभग मई के अंत में नेटाल पहुँचा। अगला अध्याय अनुभवों की बानगी। नेटाल के बंदरगाह को डरबन कहते हैं और वह नेटाल बंदर के नाम से भी पहचाना जाता है। मुझे लेने के लिए अब्दुल्ला सेठ आए थे। स्टीमर के घाट यानी डक पर पहुंचने पर जब नेटाल के लोग अपने मित्रों को लेने स्टीमर पर आए, तभी मैं समझ गया कि यहाँ हिंदुस्तानियों की अधिक इज्जत नहीं है। अब्दुल्ला सेठ को पहचानने वाले उनके साथ जैसा बर्ताव करते थे, उसमें भी मुझे एक प्रकार की असभ्यता दिखाई पड़ी थी जो मुझे व्यथित करती थी। अब्दुल्ला सेठ इस असभ्यता को सह लेते थे, वह उसके आदि बन गए थे। मुझे जो देखते वह कुछ कुतूहल की दृष्टि से देखते थे। अपनी पोशाक के कारण मैं दूसरे हिंदुस्तानियों से कुछ अलग जान पड़ता था। मैंने उस समय फ्रॉक कोट वगैरह पहने थे और सिर पर बंगाली ढंग की पगड़ी पहनी थी। अब्दुल्ला सेठ मुझे घर ले गए। उनके कमरे की बगल में एक कमरा था, वह उन्होंने मुझे दे दिया। ना वे मुझे समझते और न मैं उन्हें समझता। उन्होंने अपने भाई के दिए हुए पत्र पढ़े और वह ज़्यादा घबराए। उन्हें जान पड़ा कि भाई ने तो उनके घर एक सफ़ेद हाथी ही बांध दिया है। मेरी साहबी रहन सहन उन्हें खर्चीली मालूम हुई। उस समय मेरे लिए कोई खास काम ना था। उनका मुकदमा तो ट्रांसवाल में चल रहा था, मुझे तुरंत वहाँ भेज कर क्या करते। इसके अलावा मेरी होशियारी या ईमानदारी का विश्वास भी किस हद तक किया जाए। प्रिटोरिया में वह मेरे साथ रह नहीं सकते थे। प्रतिवादी प्रिटोरिया में रहता था। मुझ पर उसका अनुचित प्रभाव पड़ जाए तो क्या हो। यदि वह मुझे इस मुकदमे का काम न सौंपें तो दूसरे काम तो उनके कारकुन मुझसे बहुत अच्छा कर सकते थे। कारकुनों से गलती हो तो उन्हें उलाहना दिया जा सकता था, पर मैं गलती करूं तो काम या तो मुकदमे का था या फिर मुहर्रिर का था। इनके अलावा तीसरा कोई काम ना था। अतीव यदि मुकदमे का काम ना सौंपा जाता तो मुझे घर बैठे खिलाने की नौबत आती। अब्दुल्ला सेठ बहुत कम पढ़े लिखे थे, पर उनके पास अनुभव का ज्ञान बहुत था। उनकी बुद्धि तीव्र थी और स्वयं उन्हें इसका भान था। रोज के अभ्यास से उन्होंने सिर्फ बातचीत करने लायक अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, पर अपनी इस अंग्रेजी के द्वारा वह अपना सब काम निकाल लेते थे। वह बैंक के मैनेजरों से बातचीत करते थे, यूरोपियन व्यापारियों के साथ सौदे कर लेते थे और वकीलों को अपने मामले समझा सकते थे। हिंदुस्तानी उनकी बहुत इज्जत करते थे। उन दिनों उनकी फर्म हिंदुस्तानियों की फर्मों में सबसे बड़ी अथवा बड़ी फर्मों में एक तो थी। अब्दुल्ला सेठ का स्वभाव वहमी था। उन्हें इस्लाम का अभिमान था। वह तत्व ज्ञान की चर्चा के शौकीन थे। अरबी नहीं जानते थे, फिर भी कहना होगा कि उन्हें कुरान शरीफ की और आमतौर पर इस्लाम के धार्मिक साहित्य की अच्छी जानकारी थी। दृष्टांत तो उन्हें कंठाग्र थे ही। उनके सहवास से मुझे इस्लाम का काफ़ी व्यवहारिक ज्ञान हो गया। हम एक दूसरे को पहचानने लगे।
इसके बाद तो वह मेरे साथ खूब धर्म चर्चा करते थे। वह दूसरे या तीसरे दिन मुझे डरबन की अदालत दिखाने ले गए, वहाँ कुछ जान पहचान कराई। अदालत में मुझे अपने वकील के पास बिठाया। मजिस्ट्रेट मुझे बार बार देखता रहा। उसने मुझे पगड़ी उतारने के लिए कहा। मैंने इनकार किया और अदालत छोड़ दी। मेरे भाग में यहाँ भी लड़ाई ही बधी थी। अब्दुल्ला सेठ ने मुझे पगड़ी उतारने का रहस्य समझाया। मुसलमान पोशाक पहना हुआ आदमी अपनी मुसलमानी पगड़ी पहन सकता है, पर दूसरे हिंदुस्तानियों को अदालत में पैर रखते ही अपनी पगड़ी उतार देनी चाहिए। इस सूक्ष्म भेद को समझाने के लिए मुझे कुछ तथ्यों की जानकारी देनी होगी। इन 2-3 दिनों में ही मैंने देखा था कि हिंदुस्तानी अफ्रीका में अपने अपने गुट बनाकर बैठ गए थे। एक भाग मुसलमान व्यापारियों का था, वह अपने को अरब कहते थे। दूसरा भाग हिंदू या पारसी कारकुनों, मुनीमों या गुमास्तों का था। हिंदू कारकुन अधर में लटकते थे, कोई अरब में मिल जाते थे। पारसी अपना परिचय पारसियन के नाम से देते थे। व्यापार के अलावा भी इन तीनों का आपस में थोड़ा बहुत संबंध अवश्य था। एक चौथा और बड़ा समुदाय तमिल, तेलुगु और उत्तर हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के गिरमिटिया तथा गिरमिट मुक्त हिंदुस्तानियों का था। गिरमिट का अर्थ है वह इकरार यानी एग्रीमेंट, जिसके अनुसार उन दिनों गरीब हिंदुस्तानी 5 साल तक मजदूरी करने के लिए नेटाल जाते थे। गिरमिट एग्रीमेंट का ही अपभ्रंश है। गिरमिट एग्रीमेंट का अपभ्रंश है और उसी से गिरमिटिया शब्द बना है। इस वर्ग के साथ दूसरों का व्यवहार केवल काम की दृष्टि से ही रहता। अंग्रेज इन गिरमिट वालों को कुली के नाम से पहचानते थे और चूंकि वे संख्या में अधिक थे, इसलिए दूसरे हिंदुस्तानियों को भी कुली कहते थे। कुली के बदले सामी भी कहते। सामी ज़्यादातर तमिल नामों के अंत में लगने वाला प्रत्यय है। सामी अर्थात स्वामी। स्वामी का मतलब तो मालिक हुआ, इसलिए जब कोई हिंदुस्तानी सामी शब्द से चिढ़ता और उसमें कुछ हिम्मत होती तो वह अपने को सामी कहने वाले अंग्रेज से कहता, तुम मुझे सामी कहते हो, पर जानते हो कि सामी का मतलब मालिक होता है, मैं तुम्हारा मालिक तो हूँ ही नहीं। यह सुनकर कोई अंग्रेज शर्मा जाता, कोई चिढ़कर ज़्यादा गालियाँ देता और कोई कोई मारता भी सही, क्योंकि उसकी दृष्टि से तो सामी शब्द निंदा सूचक ही हो सकता था। उसका अर्थ मालिक कहना तो उसे अपमानित करने के बराबर ही हो सकता था। इसलिए मैं कुली बरिस्टर कहलाया, व्यापारी कुली व्यापारी कहलाते थे। कुली का मूल अर्थ मजदूर तो भुला दिया गया। मुसलमान व्यापारी का शब्द सुनकर गुस्सा होता और कहता, मैं कुली नहीं हूँ, मैं तो अरबी हूँ अथवा मैं व्यापारी हूँ। कोई थोड़ा विनयशील अंग्रेज होता तो यह सुनकर माफ़ी भी मांग लेता। ऐसी दशा में पगड़ी पहनने का प्रश्न एक महत्व का प्रश्न बन गया। पगड़ी उतारने का मतलब था अपमान सहन करना। मैंने तो सोचा कि मैं हिंदुस्तानी पगड़ी को विदा कर दूं और अंग्रेजी टोपी पहन लूं, ताकि उसे उतारने में अपमान न जान पड़े और झगड़े से भी बच जाऊं। पर अब्दुल्ला सेठ को यह सुझाव अच्छा ना लगा। उन्होंने कहा, अगर आप इस वक्त यह फेरफार करेंगे तो उसमें अनर्थ होगा, तो दूसरे लोग देश की ही पगड़ी पहनना चाहेंगे, उनकी स्थिति नाजुक बन जाएगी। इसके अलावा आपको तो देसी पगड़ी ही शोभा देगी, आप अंग्रेजी टोपी पहनेंगे तो आपकी गिनती बटेरों में होगी। इन वाक्यों में दुनियावी समझदारी थी, देशाभिमान था और थोड़ी संकुचिता भी थी। दुनियावी समझदारी तो स्पष्ट ही है, देशाभिमान के बिना पगड़ी का आग्रह नहीं हो सकता और संकुचिता के बिना बेटर का टीका संभव नहीं। गिरमिटिया हिंदुस्तानी हिंदू मुसलमान और ईसाई इन तीन भागों में बटे हुए थे। जो गिरमिटिया हिंदुस्तानी ईसाई बन गए उनकी संतान ईसाई कहलाई। सन 1893 में भी ये बड़ी संख्या में थे। वह सब अंग्रेजी पोशाक ही पहनते थे। उनका एक खास हिस्सा होटलों में नौकरी करके अपनी आजीविका चलाता था। अब्दुल्ला सेठ के वाक्यों में अंग्रेजी टोपी की जो टीका थी वह इन्हीं लोगों को लक्ष्य में रखकर की गई थी। इसके मूल में मान्यता यह थी कि होटल में वेटर का काम करना बुरा है। आज भी यह भेद बहुतों के मन में बसा हुआ है। कुल मिलाकर अब्दुल्ला सेठ की दलील मुझे अच्छी लगी। मैंने पगड़ी के किस्से को लेकर अपने और पगड़ी के बचाव में समाचार पत्रों के नाम एक पत्र लिखा। अखबारों में मेरी पगड़ी की खूब चर्चा हुई। अनवेलकम विजिटर, अवांछित अतिथि शीर्षक से अखबारों में मेरी चर्चा हुई और 3-4 दिन के अंदर ही मैं अनायास दक्षिण अफ्रीका में प्रसिद्धि पा गया। किसी ने मेरा पक्ष लिया और किसी ने मेरी
धृष्टता की खूब निंदा की। मेरी पगड़ी तो लगभग अंत तक बनी रही, कब गई सो हम अंतिम भाग में देखेंगे। प्रिटोरिया जाते हुए मैं डरबन में रहने वाले ईसाई हिंदुस्तानियों के संपर्क में भी तुरंत आ गया। वहाँ की अदालत के दुभाषिया मिस्टर पाल रोमन कैथोलिक थे, उनमें परिचय प्राप्त किया और प्रोटेस्टेंट मिशन के शिक्षक स्वर्गीय मिस्टर सुभान गॉडफ्रे से भी परिचित हुआ। इन्हीं के पुत्र जेम्स गॉडफ्रे यहाँ दक्षिण अफ्रीका के भारतीय प्रतिनिधिमंडल में पिछले साल आए थे। इन्हें दोनों स्वर्गीय पारसी रुस्तम जी से परिचय हुआ और तभी स्वर्गीय आदम जी मियाँ खान के साथ जान पहचान हुई। ये सब भाई अभी तक काम के सिवा एक दूसरे से मिलते ना थे, लेकिन जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे बाद में एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक आए। मैं इस प्रकार जान पहचान कर रहा था कि इतने में फर्म के वकील की तरफ से पत्र मिला कि मुकदमे की तैयारी की जानी चाहिए और खुद अब्दुल्ला सेठ को प्रिटोरिया जाना चाहिए अथवा किसी को वहाँ भेजना चाहिए। अब्दुल्ला सेठ ने वह पत्र मुझे पढ़ने को दिया और पूछा, आप प्रिटोरिया जाएंगे? मैंने कहा, मुझे मामला समझाइए तभी कुछ कह सकूंगा, अभी तो मैं नहीं जानता कि मुझे वहाँ क्या करना होगा। उन्होंने अपने मुनीमों से कहा कि वह मुझे मामला समझा दें। मैंने देखा कि मुझे ककहरे से शुरू करना होगा। जब मैं जंजीबार में उतरा था तो वहाँ की अदालत का काम देखने गया था। एक पारसी वकील किसी गवाह के बयान ले रहे थे और जमानामे के सवाल पूछ रहे थे। मैं तो जमानामे में कुछ समझता ही नहीं था, बही खाता ना तो मैंने हाई स्कूल में सीखा था और न विलायत में। मैंने देखा कि इस मामले का दार मदार बहियों पर है। जिसे बही खाते की जानकारी हो वही इस मामले को समझ और समझा सकता है। जब मुनीम नामे की बात करता तो मैं परेशान होता, मैं पी नोट का मतलब नहीं जानता था, कोश में यह शब्द मिलता ना था। जब मैंने मुनीम के सामने अपना ज्ञान प्रकट किया तब उससे पता चला कि पी नोट का मतलब प्राइमिसरी नोट है। मैंने बही खाते की पुस्तक खरीदी और पढ़ डाली, कुछ आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ, मामला समझ में आया। मैंने देखा कि अब्दुल्ला सेठ बही खाता लिखना नहीं जानते थे, पर उन्होंने व्यवहारिक ज्ञान इतना अधिक प्राप्त कर लिया था कि वह बही खाते की गुत्थियाँ फौरन सुलझा सकते थे। मैंने उनसे कहा, मैं प्रिटोरिया जाने को तैयार हूँ। सेठ ने पूछा, आप कहाँ उतरेंगे? मैंने जवाब दिया, जहाँ आप कहें। तो मैं अपने वकील को लिखूँगा, वह आपके लिए ठहरने का प्रबंध करेंगे। प्रिटोरिया में मेरे मेमन दोस्त हैं, उन्हें मैं अवश्य लिखूँगा, पर उनके यहाँ आपका ठहरना ठीक ना होगा। वहाँ हमारे प्रतिपक्षी की अच्छी रसाई है। आपके नाम मेरे निजी कागज पत्र पहुँचे और उनमें से कोई उन्हें पढ़ ले तो हमारे मुकदमे को नुकसान पहुँच सकता है। उनके साथ जितना कम संबंध रहे उतना ही अच्छा है। मैंने कहा, आपके वकील जहाँ रखेंगे वहीं रहूँगा अथवा मैं कोई अलग घर खोज लूँगा। आप निश्चिंत रहिए, आपकी एक भी व्यक्तिगत बात बाहर न जाएगी, पर मैं मिलता जुलता तो सभी से रहूँगा। मुझे तो प्रतिपक्षी से मित्रता कर लेनी है। मुझसे बन पड़ा तो मैं इस मुकदमे को आपस में निपटाने की भी कोशिश करूँगा। आखिर तैयब सेठ आपके रिश्तेदार ही तो हैं ना। प्रतिपक्षी त्वर्गी तैयब हाजी खान मोहम्मद अब्दुल्ला सेठ के निकट संबंधी थे। मैंने देखा कि मेरा इस बात पर अब्दुल्ला सेठ कुछ चौंके, पर उस समय तक मुझे डरबन पहुँचे 6-7 दिन हो चुके थे। हम एक दूसरे को जानने और समझने लग गए थे। मैं अब सफ़ेद हाथी लगभग नहीं रहा था। वे बोले, हाँ यदि समझौता हो जाए तो उसके जैसी भली बात तो और कोई है ही नहीं, पर हम रिश्तेदार हैं इसलिए एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानते हैं। तैयब सेठ जल्दी मानने वाले नहीं हैं, हम भोलापन दिखाएं तो वह हमारे पेट की बात निकलवा लें और फिर हमको फंसा लें, इसलिए आप जो कुछ करें सो होशियार रह कर कीजिए। मैंने कहा, आप तनिक भी चिंता ना करें, मुझे मुकदमे की बात तैयब सेठ से या किसी और से करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप दोनों आपस में झगड़ा निपटा लें तो वकीलों के घर न भरने पड़ें। मैं 7वें या 8वें दिन डरबन से रवाना हुआ। मेरे लिए पहले दर्जे का टिकट कटाया गया। वहाँ रेल में सोने की सुविधा के लिए 5 सीलिंग का अलग टिकट कटाना होता था। अब्दुल्ला सेठ ने उसे कटाने का आग्रह किया, पर मैंने हठवश अभिमान बस और 5 सीलिंग बचाने के लिए के विचार से बिस्तर का टिकट कटाने से इनकार कर दिया। अब्दुल्ला सेठ ने मुझे चेताया, देखिए यह देश दूसरा है, हिंदुस्तान नहीं है। खुदा की मेहरबानी, आप पैसे की कंजूसी न कीजिए,
आवश्यक सुविधा प्राप्त कर लीजिए। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और निश्चिंत रहने को कहा। ट्रेन लगभग 9 बजे नेटाल की राजधानी मरित्सबर्ग पहुंची। यहाँ बिस्तर दिया जाता था। रेलवे के किसी नौकर ने आकर पूछा, आपको बिस्तर की ज़रूरत है? मैंने कहा, मेरे पास अपना बिस्तर है। वह चला गया। इस बीच एक यात्री आया, उसने मेरी तरफ देखा। मुझे भिन्न वर्ण का पाकर वह परेशान हुआ, बाहर निकला और एक दो अफसरों को लेकर आया। किसी ने मुझे कुछ ना कहा। आखिर एक अफसर आया, उसने कहा, इधर आओ, तुम्हें आखिरी डिब्बे में जाना है। मैंने कहा, मेरे पास पहले दर्जे का टिकट है। उसने जवाब दिया, इसकी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें आखिरी डिब्बे में जाना है। मैं कहता हूँ कि मुझे इस डिब्बे में डरबन से बैठाया गया है और मैं इसी में जाने का इरादा रखता हूँ। अफसर ने कहा, यह नहीं हो सकता, तुम्हें उतरना पड़ेगा और ना उतरे तो सिपाही उतारेगा। मैंने कहा, तो फिर सिपाही भले उतारे, मैं खुद नहीं उतरूँगा। सिपाही आया, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे धक्का देकर नीचे उतारा। मेरा सामान उतार लिया। मैंने दूसरे डिब्बे में जाने से इनकार कर दिया। ट्रेन चल दी। मैं वेटिंग रूम में बैठ गया, अपना हैंड बैग हाथ में रखा, बाकी सामान को हाथ न लगाया। रेलवे वालों ने उसे कहीं रख दिया। सर्दी का मौसम था। दक्षिण अफ्रीका की सर्दी ऊंचाई वाले प्रदेशों में बहुत तेज होती है। मरित्सबर्ग किसी प्रदेश में था, इससे ठंड खूब लगी। मेरा ओवरकोट मेरे सामने सामान में था, पर सामान मांगने की हिम्मत न हुई। फिर अपमान हो तो। ठंड से मैं कांपता रहा। कमरे में दिया ना था। आधी रात के करीब एक यात्री आया। जान पड़ा कि वह कुछ बात करना चाहता है, पर मैं बात करने की मना स्थिति में ना था। मैंने अपने धर्म का विचार किया, या तो मुझे अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए या लौट जाना चाहिए, नहीं तो जो अपमान हो उन्हें सहकर प्रिटोरिया पहुँचना चाहिए और मुकदमा खत्म करके देश लौट जाना चाहिए। मुकदमा अधूरा छोड़कर भागना तो नामर्दी होगी। मुझे जो कष्ट सहना पड़ा है सो तो ऊपरी कष्ट है, वह गहराई तक बैठे हुए महारोग का लक्षण है। यह महारोग है रंग द्वेष। यदि मुझमें इस गहरे रोग को मिटाने की शक्ति हो तो उस शक्ति का उपयोग मुझे करना चाहिए। ऐसा करते हुए स्वयं जो कष्ट सहने पड़े सो सब सहने चाहिए और उनका विरोध रंग द्वेष को मिटाने की दृष्टि से ही करना चाहिए। यह निश्चय करके मैंने दूसरी ट्रेन में जैसे भी हो आगे ही जाने का फैसला किया। सवेरे ही सवेरे मैंने जनरल मैनेजर को शिकायत का लंबा तार भेजा। दादा अब्दुल्ला को भी खबर भेजी। अब्दुल्ला सेठ तुरंत जनरल मैनेजर से मिले। जनरल मैनेजर ने अपने आदमियों के व्यवहार का बचाव किया, पर बतलाया कि मुझे बिना किसी रुकावट के मेरे स्थान तक पहुंचाने के लिए स्टेशन मास्टर को कह दिया गया है। अब्दुल्ला सेठ ने मेरे वर्ग के हिंदू व्यापारियों को भी मुझसे मिलने और मेरी सुख सुविधा का ख्याल रखने का तार भेजा और दूसरे स्टेशनों पर भी इसी आशय का तार रवाना किया। इससे व्यापारी मुझे मिलने स्टेशन आए। उन्होंने अपने ऊपर पड़ने वाले कष्टों की कहानी मुझे सुनाई और मुझसे कहा कि आप पर जो बीती है उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जब हिंदुस्तानी लोग पहले या दूसरे दर्जे में सफ़र करते हैं तो अधिकारियों और यात्रियों की तरफ से रुकावट खड़ी होती ही है। दिन ऐसी ही बातें सुनने में बीता। रात पड़ी, ट्रेन आई। मेरे लिए जगह तैयार ही थी। बिस्तर का जो टिकट मैंने डरबन में कटाने से इनकार किया था वह मरित्सबर्ग में कटाया। ट्रेन मुझे चार्ल्स टाउन की ओर ले चली। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।